और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जी आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा? आज का टॉपिक अपना रहेगा यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर टॉपिक के ये नेम रहेंगे। इसमें एडिटिंग, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये ऑप्शन। इंसर्ट वाले में क्या करवाएंगे? टेबल वाला ऑप्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसमें जो अपना क्या है एडिटिंग का यूज किस लिए करते हैं? किसी भी चीज में ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड वाला ऑप्शन करेंगे। फाइंड वाले में क्या होता है, जैसे ही हमने कंट्रोल एम से अगली नेक्स्ट क्या ली, हमने नेक्स्ट न्यू स्लाइड ली। अब फाइंड पे जाएंगे, किस पे? फाइंड पे जाओ। फाइंड के अंदर क्या अपना कोई भी वर्ड रिप्लेस करना है, एडिटिंग एडिट डाल दिया, एडिटिंग किस चीज को सर्च करना है, फाइंड नेक्स्ट करोगे वो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सर्च हो जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन अपना क्या दिखा रहा है, सर्च। रिप्लेस, रिप्लेस क्या होता है अपना, चेंज करना। कि एडिट की जगह हमें और कोई नेम रिप्लेस करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, फाइंड डाल दिया। फाइंड रिप्लेस करोगे तो अपना यहाँ पे वो नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। देखो एडिटिंग की जगह क्या हो चुका, वो चेंज हो गया। वापिस कंट्रोल जेड से हम वापिस लेके आ सकते हैं इसको। फिर सिलेक्ट से क्या होगा, पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा अपना। सिलेक्ट ऑप्शन का पता होगा, जो भी जहाँ पे भी अपना कर्सर होएगा उस पूरे एरिया को क्या करेगा, ये सिलेक्ट कर देता है। ये सिलेक्ट ऑल का यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना क्या है यहाँ पे, इंसर्ट। इंसर्ट में क्या अपना, इंसर्ट में टेबल करेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर रो और कॉलम को लेने के लिए किसका यूज करते हैं हम, टेबल का यूज करते हैं। जो अपनी रो हॉरिजॉन्टल जो होती है वो अपनी क्या होती है, रो। जो अपनी वर्टिकल होती है वो अपनी क्या होती है, कॉलम होती है। रो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। कॉलम कैसी होती है, वर्टिकल। अब इसमें हॉरिजॉन्टल रो के अंदर हमने क्या डाला, यहाँ पे डाल दिया नेम। नेक्स्ट कॉलम में डाल दिया हमने हिंदी, उससे नेक्स्ट में डाल दिया मैथ। इस टाइप से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, रो और कॉलम में मैटर टाइप करेंगे। फिर हमने इसमें टेबल के साथ, जैसे ही टेबल की क्या ओपन हो जाएगी, टूल बार ओपन हो जाती है। टेबल की क्या ओपन होगी, टूल बार ओपन हो जाती है, जिसके अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे टेबल की स्टाइल क्या दिखा रहा है, टेबल की स्टाइल। टेबल की स्टाइल में क्या है, कोई भी आप यहाँ से टेबल की स्टाइल लो। अब टेबल की स्टाइल ली, फिर क्या है, इसके अंदर टेबल स्टाइल के ऑप्शन दे रखे हैं। जो भी ऑप्शन आपको लेने हैं वो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमारे क्या है, हेडर रो जो स्टाइल ली है उसको हटाने के लिए यहाँ से ऑप्शन हटा दोगे तो वो अपनी स्टाइल हट जाएगी। अगर इन पे क्लिक करते जाओगे तो वो स्टाइल अपनी यहाँ पे दिखाता रहेगा। ठीक है, जैसी आपने स्टाइल लगा रखी है वैसी स्टाइल में। अब देखो जैसे ये हेडर हटाना चाहते हो हट जाएगी, बाउंड्री रो हटाना है हट जाएगी, क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद टेबल स्टाइल को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से किस पे जाओगे, क्लियर टेबल करेंगे तो वो टेबल अपनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। टेबल की जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाती है। शैडो, शैडो में क्या होता है, जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे उसके पीछे की बैकग्राउंड लगाने के लिए शैडो पे जाओगे। यहाँ से कोई भी पीछे कलर फिल करना है वो कलर फिल हो जाएगा, पीछे की बैकग्राउंड ठीक है फिल हो जाती है। बॉर्डर, बॉर्डर होता है जितना अपना टेबल सिलेक्ट है उसका बॉर्डर लेने के लिए, यहाँ से क्या लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर कैसे लगाते हो, नो बॉर्डर पे क्लिक किया, जितना एरिया सिलेक्ट है। अब देखो एरिया सिलेक्ट, यहाँ से नो बॉर्डर किया तो अपना बॉर्डर हट जाएगा टेबल का। अगर इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, एरिया सिलेक्ट करोगे, इस पे क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर, तो अपने टेबल पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल पे क्या अप्लाई हो गया, बॉर्डर अप्लाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या है, इफेक्ट। इफेक्ट कैसे करेंगे, इफेक्ट वाले अपना यहाँ पे जैसे इफेक्ट डालना चाहते हो आप, इफेक्ट कैसे डलेगा कि आपने जितना एरिया सिलेक्ट है उस पे इफेक्ट डालना है। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे,
डिजाइन वाली टूल बार पे जाओ। डिजाइन वाली टूल बार पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है, शैडो हो गया, बॉर्डर हो गया अपना, इफेक्ट, ये अपने जो वर्ड लिखे हुए हैं उन पे इफेक्ट डालेगा, जो भी इफेक्ट डालना चाह रहे हो उन पे इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या है, क्विक स्टाइल, अगर इन वर्डों की फॉन्ट स्टाइल हमें चेंज करनी है तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल लगा सकते हो। देखो वर्डों की स्टाइल लग जाएगी। आप इन वर्डों का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो। वो कैसे चेंज करोगे, ए से फॉन्ट कलर से कलर चेंज हो जाएगा अपना। यहाँ से क्या करेंगे, कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हुआ उसके बाद ए से क्या होएगा, टेक्स्ट आउटलाइन, कि जो हमने मैटर लिखा हुआ है उसकी आउटलाइन को चेंज करना है, वो आउटलाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कैसे आउटलाइन करनी है, वो आउटलाइन की स्टाइल कलर यहाँ से लेंगे, उस आउटलाइन की स्टाइल चेंज हो जाएगी। फिर ये वाला आउटलाइन के जो साइज है वो आप यहाँ से बढ़ा के देख सकते हो, आउटलाइन का जो साइज है वो बढ़ा हो गया, उससे क्या है अपने इसका साइज दिखाएगा। फिर आपका यहाँ पे टॉपिक क्या रहेगा, अगला अगला ऑप्शन अपना है, सिलेक्ट करो इसको। सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन वाली टेबल पे गए। अब यहाँ पे बॉर्डर हो गया कि आउटलाइन का बॉर्डर कैसे लगाना, आपको आउटलाइन का बॉर्डर जो है वो लगेगा। अब आउटलाइन का बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर हमने सिलेक्ट किया, बॉर्डर कैसे सिलेक्ट किया भी अपना, यहाँ से आउटलाइन की वेट बढ़ाई, इससे अपना बॉर्डर अपने को दिख जाएगा। फिर आपका ये वाला फॉन्ट की स्टाइल, यहाँ से इफेक्ट डालना है इसके पीछे, वर्डों के ऊपर पीछे इफेक्ट डालने के लिए। ये बॉर्डर की स्टाइल, यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल लेंगे, जैसे आप बॉर्डर बना रहे हो उसकी स्टाइल, यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर का ऑल बॉर्डर किस पे जाएंगे, ड्रा टेबल पे जाओ। ड्रा टेबल से क्या है, न्यू स्लाइड लो। यहाँ से हम क्या है, कोई भी नई जो हम टेबल बना रहे हैं, न्यू टेबल बना रहे हैं, उस बॉर्डर का क्या लेंगे, उसका यहाँ से स्टाइल चेंज करेंगे कि आपको किस स्टाइल में आपको टेबल बनानी है, वो टेबल आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉ टेबल पे गए, ड्रा टेबल, यहाँ से हम जैसे ही ड्रा करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे शो कर देता है। इरेजर से क्या होगा, इसको टेबल को क्या करेगा, ये हटा देता है। ठीक है, इरेजर से क्या अपनी टेबल को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। एस्केप से क्या करेंगे, इस इरेजर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद जो टूल बार अपने डिजाइन में ओपन है, इरेजर, इरेजर से क्या है, जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे उतनी टेबल अपनी हट जाएगी। देखो ऊपर वाला बॉर्डर हट गया, जितना सिलेक्ट करोगे उतना हट जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस भी ला सकते हो, इरेजर हटाना है तो यहाँ से हट सकते हो। अभी अपना एडिटिंग वाला और टेबल डिजाइन वाला किया है, इसमें किसी को प्रॉब्लम आई है तो वो बता सकते हो। कोई भी किसी को प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओ, समझ आ गया। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।